पार्श्वनाथ भगवान जैन धर्म के एक भक्त अनुयायी थे जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, सत्यवादिता और करुणा के सिद्धांतों को सिखाते हैं। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इन सिद्धांतों का अभ्यास करने और जैन धर्म के संदेश को दूसरों तक फैलाने में बिताया। जैन धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए एक सुदूर गांव की यात्रा, जब वह जंगल से यात्रा कर रहा था तो वह शिकारियों के एक समूह के पास आया जो एक हिरण का शिकार करने की तैयारी कर रहा था। अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखने वाले पार्श्वनाथ जैन ने तुरंत शिकारियों से संपर्क किया और उनसे निर्दोष जानवर के जीवन को बख्शने का अनुरोध किया। हालांकि शिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने उनकी मान्यताओं के लिए उनका उपहास उड़ाया। उसने शिकारियों को अपने सामने शपथ लेने को कहा कि वे हिरण को नहीं मारेंगे। शिकारियों ने चुनौती के लिए सहमति व्यक्त की और पार्श्वनाथ जैन की शपथ ली और फिर उन्हें निकटतम जैन मंदिर में ले गए, जहां उन्होंने जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर से हिरण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पार्श्वनाथ जैन ने अपनी प्रार्थना पूरी की, एक चमत्कार हुआ। एक शेर कहीं से प्रकट हुआ और हिरण को अपनी जान बचाते हुए दूर ले गया। शिकारी इस घटना से भयभीत थे और तुरंत पार्श्वनाथ जैन के विश्वास की शक्ति को महसूस किया। उस दिन से शिकारियों ने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए और जैन धर्म के अनुयायी बन गए। करुणा और विश्वास ने न केवल एक मासूम जानवर के जीवन को बचाया बल्कि कई लोगों के जीवन को भी बदल दिया था। वह जैन धर्म के सिद्धांतों के एक जीवित उदाहरण के रूप में जाने जाते थे और कई लोगों द्वारा संत के रूप में पूजनीय थे।